सामाजिक संस्था नेत्रांजलि द्वारा शिमला में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए। संस्था के सदस्य हिमांशु कुमार ने बताया कि संस्था पिछले 21 वर्षों से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जनसेवा के कार्य कर रही है। उन्हें बताया कि कोरोना काल में भी संस्था की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन किट, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए और निकट भविष्य में भी संस्था मानव सेवा से जुड़े कार्यों में सहयोग देती रहेगी। अपने जन्मदिन पर पिछले 21 साल से हम ये कार्यक्रम करते हैं। हर साल मैं अपने जन्मदिन पर गरीब बच्चों को ये कपड़े देता हूँ और इसमें लोगों का सहयोग रहता है और आज भी लोगों के सहयोग से कुछ अपने सहयोग से मिलकर हमने ये कपड़े लोगों गरीब इन बच्चों को बांटे और आगे भविष्य में भी हम ये कपड़े आगे बच्चों को बांटते रहेंगे। हमारे परिवार में चाहे किसी का भी जन्मदिन हो या एनिवर्सरी या कुछ हो तो हम यहाँ गरीब बच्चों को आकर कपड़े बांटते हैं और जैसे उनको खाना खुने का भी होता है हमारा खाना वगैरह भी खाते हैं। अभी पीछे हमने कोरोना काल में भी राशन वगैरह बांटा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी नेत्रांजलि संस्था ने कार्य किए हैं यहाँ पर शिमला में किए हैं। मेरा ये मानना है कि देखो जन्मदिन एक होता है कि एक खुशी का दिन होता है तो क्यों ना उस खुशी के दिन को सबके साथ मिलकर मनाया जाए। ये भी तो हमारी तरह इंसान है तो मेरा इसलिए मैं इन सब लोगों के साथ अपना ये जन्मदिन मनाता हूँ। मैं केक वगैरह नहीं काटता, इनके साथ जन्मदिन मनाता हूँ। मेरे को इससे अपने दिल को खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है इसको जी।